भिलाई 3 स्थित सिद्धि विनायक बच्चों का अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकीय डॉक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही होने से बच्चे की मौत होना पाया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है। नोटिस जारी होने के एक माह पूर्ण होने के उपरांत संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य उपचार गृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। मृत बच्चे के परिजनों द्वारा मामले की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में की गई थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन द्वारा विधिवत कार्यवाही की गई। देखिए, नर्सिंग होम एक्ट के तहत में हमने वहां पे एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके लिए परिजन के द्वारा शिकायत की गई थी। उस शिकायत करने के बाद हम लोग उसकी जाँच करे थे और कलेक्टर महोदय के द्वारा उस पर काफ़ी तगड़ा एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन में उन्होंने ये लिखा है कि वो एक महीने के लिए उनको नोटिस दिया था कि एक महीने के अंदर आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और 20,000 रुपये का फाइन भी किया था। और वहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे थे उस दौरान में, उनको वहाँ से निकालने के लिए भी बोला गया था और उसकी मियाद ख़त्म हो गई थी, इसलिए फिर से उनको एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें उस अस्पताल में जो है वो उसको बंद कर दिया गया है।